लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी के माध्यम से ऑथर अनीस जंग रीडर्स तक यह मैसेज कन्वे करना चाहती है कि कैसे पॉवर्टी और ओल्ड ट्रेडिशंस के चलते हजारों लाखों बच्चों का बचपन छिन जाता है, जो उम्र उनकी खेलने पढ़ने व सपने सजाने की होती है, उन्हें उस उम्र में चाइल्ड लेबर करने के लिए मजबूर किया जाता है। स्टोरी के दो पार्ट हैं। पार्ट वन, समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गैरबेज, ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखी है तब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, क्लिक कर देख लेना। इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार की समरी को हिंदी व इंग्लिश में समझेंगे व साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को नोट करेंगे। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार मुकेश नाम के करेक्टर की स्टोरी है, जिससे आथर फिरोजाबाद में मिलती है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ हर दूसरे घर में चूड़ियाँ बनाने का काम किया जाता है। मुकेश की फैमिली भी बैंगल्स मेकिंग का काम करती है, लेकिन मुकेश इस काम को पसंद नहीं करता है। वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, साथ ही साथ कार चलाना चाहता है। मुकेश के दादा व अन्य लोगों का मानना है कि यह उनके पिछले जन्मों का कड़वा फल है कि उनका जन्म बैंगल मेकिंग कास्ट में हुआ है, इसलिए उन्हें चूड़ियाँ ही बनानी हैं और कुछ नहीं। मुकेश जैसे हजारों बच्चे इस परंपरा के चलते उच्च तापमान वाली भट्टियों पर अंधेरे कमरे में बिना हवा और लाइट के इन बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जहाँ उनके लिए काम करना नाजायज है, इलीगल है, और अडल्ट होते होते वे अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। मुकेश एक दिन ऑथर को अपने घर ले जाता है। तंग और गंदी गलियों से होते हुए ऑथर वहाँ पहुँचती है। वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि मुकेश के दादा इन फैक्ट्रियों में उच्च तापमान वाली भट्टियों पर काम करते करते अंधे हो गए। मुकेश के पापा अपने परिवार के लिए सिर्फ एक घर बना पाए, जिसकी कभी वो मरम्मत नहीं कर पाए। उनकी माँ ने कभी भरपेट खाना नहीं खाया जिंदगी भर। वह अपने दोनों लड़कों को अच्छा पढ़ा नहीं पाए, सिर्फ चूड़ियाँ बनाना ही सिखा पाए। मुकेश की भाभी सविता के हाथ चूड़ियाँ बनाते बनाते मशीन जैसे हो गए। वे गरीबी में रहते हैं, पूरा दिन हार्डवर्क करते हैं और गरीबी में ही मर जाना है। सैकड़ों वर्षों बाद भी यह गुलामी चलती आ रही है। उनके पास कुछ और काम शुरू करने के लिए नहीं पैसे हैं और न ही हिम्मत है। यदि वो हिम्मत करते हैं तब पुलिस, राजनेता, साहूकार आदि उन्हें कोई और काम करने नहीं देंगे। यह सब देखने के बाद ऑथर चाहती है कि ऐसे चलते नहीं रहना चाहिए, उन्हें भी अपनी मर्जी का जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। ऑथर मुकेश की प्रोफेशन बदलने की स्ट्रांग डिज़ायर व इस नई शुरुआत को देखकर बहुत खुश होती हैं।